हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटिल गर्ल्स। अभी मेरे को थोड़ा सा काम है, मेरे को बैंक का थोड़ा सा काम करना है। मेरे को थोड़ी सी एक दो चीज़ें पनीर वगैरह कुछ एसेंशियल सर्विसेज के लिए मतलब सामान लेने जाना है, बेसिकली ग्रोसरी का। यार ये पहन के सच में ना सांस में दिक्कत होती है, लेकिन पहन बाहर जाना है तो पहनना ज़रूरी है। एंड चलो मैं बहुत दिनों के बाद अभी आज बाहर निकल रहा हूँ, देखते हैं कैसा लगता है बाहर। चलो, वैसे तो गाड़ी निकालनी भी जरूरी थी, जरा सा आसपास चलानी जरूर चाहिए, स्टार्ट जरूर करनी चाहिए गाड़ी, घर के आगे पीछे ही कर लो बस। लेकिन ये 21 मार्च से बंद है गाड़ी, और आज मैंने निकाली है, आज है 6 अप्रैल, तो कम से कम नहीं तो 17 दिन हो गए, 17 दिन के बाद मैंने गाड़ी निकाली है ये, तो इसलिए ये भी निकालनी ज़रूरी थी। एंड चलो, बहुत दिन के बाद निकल रहा हूँ मैं बाहर। सो इधर बाहर ही एक ग्रोसरी स्टोर्स हैं हमारे यहाँ पे, एंड जो मैं लेने आया था पनीर, वो शॉप है बंद। चलो एक दो चीज़ें और लेनी है, वो ले लेते हैं। हाय गाइस, सो वी आर अपस्टेयर। पहले आते थे ना तो थोड़ा सा लगता था अरे इतना अच्छा मौसम ये वो, पर कल जो पटाखे फोड़े ना लोगों ने, उससे बड़ा गुस्सा आता है कि अभी भी लोग समझे नहीं हैं कि ये सब क्या हो गया है। हमारी बाहर की सड़क इतनी शांत है ना, वी आर डूइंग आर एक्सरसाइजेस, हमारे सर ने जो दी होती है, सो दैट्स व्हाट वी विल डू एंड देन वी गो डाउन हैव वाटरमेलन। तुम्हारे पास है सेट, क्या क्या करना है आज? ट्विस्ट है, 300 जिगजैग, 250 क्रंचेस, 200 रनिंग लंजेस, 150 साइड स्ट्रेच, 100 बोथ लेग रेजेस, 50 हाफ और फुल स्क्वाट्स। तो ये 3 सेट में बना लेते हैं। ठीक है, चलो डन विद द वर्कआउट। वो देखो मून। हाँ, आजकल इतना क्लियर है मून, यार नीला स्काई, सफेद चांद, चांद भी बिना धब्बों का दिख रहा है आजकल तो। दिख रहा है? हाँ, उन लोगों को तो सिर्फ डॉट दिख रहा है। आज एक और दिन निकल गया, एंड बस हम दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। एंड सच में अब ये कहो कि दिन का पता नहीं चलता कहाँ गया, या पूरे दिन पक गए कुछ भी, मतलब टीवी देखते हुए, नई नई चीज़ें ट्राई करते हुए, खाना बनाने में, सफाई करते हुए, लेकिन जो भी है ये सब हम सबको साथ में मिलके पार करना ही है। एंड हम साथ रहेंगे, मतलब दूर दूर रह के भी साथ रहेंगे, कि हम मतलब जो रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने जो सेट करे हैं, अगर हम उनको पालन करेंगे, जो इतने हेल्थ वर्कर्स, इतने डॉक्टर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनका पालन करेंगे तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्टेड टू लाइक टॉक अबाउट, दीज आर डिफ़िकल्ट टाइम्स, वी ऑल नो दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स। और सिर्फ ये बात नहीं है कि हम मतलब जो ये महामारी फैली हुई है हम सिर्फ इससे डरे हुए हैं, नहीं, हम हर कोई फाइनेंशियली भी डरा हुआ है, बिकॉज सबके काम इस टाइम पे बंद है। आई नो हम ये बोलें कि यार मेरा बंद है, तेरा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी का ही बंद है। बट ये जो बीच में अब ये अप्रॉक्सीमेटली जो पूरा एक महीने का ये गैप आ गया, तो ये एक महीने का गैप कैसे फुलफिल होगा? किसी ने भी काम नहीं करा, किसी के पास भी पैसा नहीं आ रहा, तो इसके लिए क्या करा जाए? देखो यार, अब जिनके पास पैसा है, खास करके जिनके अंडर कोई एम्प्लॉई काम करते हैं, चाहे आपकी कोई लेबर हो, चाहे आपके कोई वर्कर हो, चाहे आपका कोई मेड वगैरह हो, चाहे कोई हेल्पर हो, कोई भी हो जो अगर आपके अंडर वो काम करता है, प्लीज़ आपने ध्यान रखना है कि यार उनकी सैलरी आपने बिल्कुल नहीं काटनी, उनको आप पूरा दो पैसा। अगर आपके अंडर नहीं, आप अगर छोटे हो, अगर आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप देख रहे हो कि मतलब जितना उन्हें मिलना चाहिए, अगर कुछ लोग हैं जो नहीं दे रहे, तो उन्हें आप कन्विंस करो। जस्ट बिकॉज देखो मुश्किल है हमारे, मतलब हमें अपनी जेब से पैसा ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा ही, हमें राशन पानी सब कुछ घर का हम भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब ये चीज़ सोचो, अब जो लोग एक्चुअली दिन का कमाते हैं और दिन का खाते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? उनके लिए कितना मुश्किल टाइम होगा। हम तो अरे चलो हम निकल जाते हैं, अपना राशन पानी भर लेते हैं, एक महीने का भर लेते हैं, ताकि ज़्यादा हमें बाहर निकलना ना पड़े। अब जो एक्चुअल में जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? वो कितना भरेंगे?
उन्हें और फिर उन्हें निकलना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ आप ऐसे ज़रूर हेल्प करिए। इवन हमारी भी फैक्ट्री में जितने भी लेबर हैं, हमने उन्हें अप्रॉक्सीमेटली 28th of March को हमने उनकी एडवांस सैलरी दे दी थी। मतलब 75% उनकी जो सैलरी बनती है हमने तभी दे दी थी, जबकि वो सैलरी हम मतलब जैसे नेक्स्ट मंथ के 7th, 1st week तक उन्हें पैसा देते हैं, बट हमने उन्हें एडवांस हमने 28 March को दे दी थी एक तो, और जो रिमेनिंग सैलरी है तो वो मेरा अभी कर रहा हूँ ट्रांसफ़र। एंड ये सच में ये सब लोगों को ये चीज़ अपनी एक ड्यूटी माननी चाहिए कि ये सच में आप एक बार उनके शूज़ में, मतलब आप एक बार उनके शूज़ में अपना पैर डाल के देखो, फिर पता चलेगा। आई नो मैंने भी नहीं डाल के देखे और मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर सोच सकता हूँ। हम आज एकदम कहते हैं अरे ये चीज़ की दिक्कत हो जाएगी, वो चीज़ की दिक्कत हो जाएगी, ये ले आओ वो ले आओ, वो लोग इतना नहीं भर सकते। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हमें सोचना है, ताकि हम उनके पूरे पैसे ज़रूर दें, कम से कम कि उन्हें वो राशन पानी उन्हें मिलता रहे, वो लोग खाते पीते रहें। मुश्किल टाइम है और ये मुश्किल टाइम अच्छे से निकल जाएं और हम सच में ये एक वॉर जीत के बाहर निकलें और सब लोग बस साथ रहें, ये चीज़ का साथ दें। मेनली दिस व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू, बिकॉज सच में अभी डर भी बहुत लगता है कि क्या होगा। रोज़ हम न्यूज़ पूरा दिन, हम जो पहले न्यूज़ नहीं देखते थे, अब इवन हमारे नहीं सबके घर में पूरा दिन सुबह से रात तक सिर्फ न्यूज़ चलती है। एक मन में टेंशन है, आज हम जितना भी बोल रहे हैं अरे आज तो हम घर में, मतलब हमने चलो ये चीज़ ट्राई कर ली, वो चीज़ ट्राई कर ली, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, लेकिन मन में एक सबको डर है कि सच में बाहर एक पैर रखते हैं तभी भी डर लगता है कि ये कैसा चीज़, कैसी महामारी फैली हुई है कि हमें ना लग जाए, क्योंकि एक को लगा सबको लगेगा और बहुत डर लगता है। इसलिए नाउ आई विल एंड द वीडियो, बिकॉज काम भी है थोड़ा सा, वो कर रहा हूँ मैं। एंड चलो कल आपसे फिर दोबारा मिलेंगे, एक नई चीज़ लेके आपसे बात करेंगे। चलो ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टू सब्सक्राइब टू आर चैनल, हिट द बटन लाइक एंड प्लीज़ शेयर दिस कॉन्टेंट एज मच एज पॉसिबल। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, हमारी बहुत सारी यार 650 वीडियोज़ की पूरी लाइब्रेरी है यूट्यूब पे, जाके देखो अगर आप बोर हो रहे हो। सच में बहुत सारी वीडियोज़ आप बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेंगी और मज़ा आ जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।